हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और 1 सितंबर 2024 को नए अपडेट, बड़े बदलाव, नए नियम भी लागू हो गए हैं। सितंबर के महीने में क्या कुछ बदलेगा और आने वाले समय में क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आया है, अलग अलग राज्यों में सरकारों की ओर से क्या बड़ी घोषणाएं की गई है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब की ये वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की अपडेट खबरें आपको मिलने वाली है। तो पहला अपडेट आप देखिए, महंगा हो गया एलपीजी सिलेंडर। एक बार फिर महीने के शुरुआत में ही महंगाई का ये बड़ा झटका लगा है। अगस्त के बाद 1 सितंबर 2024 को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, जिसमें 39 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, कोलकाता में 38 रुपए, दिल्ली में 39 रुपए, अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट रहते हैं। कुल मिलाकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में ये बड़ा बदलाव हो गया है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और हवाई सफर सस्ता हो सकता है, जेट फ्यूल में कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। 2 महीने की तेजी के बाद सितंबर के महीने में जेट फ्यूल के दामों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट की जो टिकट है वो सस्ती हो सकती है। आम लोगों और एयरलाइन कंपनियों के लिए महीने की पहली तारीख को ये बड़ा अपडेट सामने आया। हवाई जहाज के किराए में अब कटौती की संभावनाएं बढ़ गई है, जेट फ्यूल में कमी देखने को मिली है। चलिए अपडेट खबर आ रही है, ट्राई ने करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। पहले नया नियम 1 सितंबर 2024 को लागू होने जा रहा था, फिलहाल ये नियम अब 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। यानी सरकार ने 30 दिनों के लिए मोहलत और बढ़ा दी है। दूर संचार विभाग के जो ये नए नियम है वो लागू होने से फर्जी लिंक वाले मैसेज और कॉल पर लगाम लगेगी। और राजस्थान से बड़ी खबर है, 68 लाख के लगभग परिवारों को अब एलपीजी सिलेंडर जो है वो 450 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का ऐलान किया था। 1 सितंबर से ये सुविधा लागू होने जा रही है। 68 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली जो सब्सिडी है वो सीधे ही बैंक खाते में आ जाएगी। और इस योजना के तहत हर परिवार को एक साल में 12 सिलेंडर तक मिलेंगे, यानी हर महीने 450 रुपए में एक रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर लेते समय आपको पेमेंट तो पूरा वही करना है जो सामान्य लोग करेंगे, लेकिन आपके जो सब्सिडी के पैसे है वो बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। और 1 सितंबर से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं। HDFC बैंक और IDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड पॉइंट से जुड़ा अपडेट लागू हो जाएगा। वहीं रुपए क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी जरूरी खबर आई है, सितंबर से नए UPI रिवार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए अपडेट खबर आ रही है, आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर से बढ़ गई है। अब 14 सितंबर तक आपको फीस नहीं देनी है, 14 सितंबर तक आप फ्री में आधार अपडेट कर पाएंगे, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। वहीं देखिए, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट आ रहा है, सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका। भजनलाल सरकार ने कार्य दिवस सप्ताह में बदलाव से इनकार कर दिया है। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के लिए 4 दिन ऑफिस और 1 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया है। विधानसभा में भी हाल ही में खत्म हुए बजट सत्र के दौरान पूछे गए सवाल का सरकार ने लिखित में जवाब दिया। इससे पहले राजस्थान में आपको मालूम है कर्मचारियों के लिए 2 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया। दरअसल राजस्थान सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक हटाते हुए उन्हें प्रमोशन देने का फैसला लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं नेक्स्ट अपडेट देखिए, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, बारिश में बर्बाद हुई फसल का मुआवजा मिलेगा। राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। राजस्थान के किसान भाइयों के लिए खबर है, भारी बारिश के कारण कई जिलों में किसान भाइयों की फसलों को नुकसान हुआ और इसको लेकर राजस्व विभाग ने निर्देश जारी किया है। अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी हो गए, आकलन के आधार पर मुआवजा मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के छोटे और मझोले किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा मिलेगी। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, गुजरात में बाढ़ से नुकसान का आकलन करेगा केंद्रीय दल, किसानों को मुआवजा मिलेगा। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक MHA भारी बारिश से प्रभावित राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है, और अगर वहां से गंभीर नुकसान की सूचना मिलती है तो वहां भी IMCT भेजी जाएगी और नुकसान का आकलन किया जाएगा। पंजाब से जुड़ी खबर आ रही है, पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाया। किसानों ने सरकार से मांग की है, किसान कह रहे हैं कि 3 महीने का राशन पानी साथ लेकर आए, मांगे नहीं मानी गई तो यही अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। पंजाब खेत मजदूर यूनियन ने बैनर तले, पंजाब के हजारों किसानों ने चंडीगढ़ में सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर पक्का मोर्चा लगा दिया है। वहीं बड़े अपडेट भी चल रहे हैं, दिल्ली कूच के लिए संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से 13 फरवरी से हरियाणा से सटे पटियाला के संभू और संगरूर जिले के खनौरी बॉर्डर पर दिया जा रहा धरना शनिवार को 200वें दिन में प्रवेश कर गया। किसानों के इस धरने के कारण लोगों को हो रही परेशानी का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाने के बावजूद अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। किसानों ने संभू और खनौरी में यह घोषणा की है कि वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करेंगे। 200 दिन पूरे होने पर संभू और खनौरी बॉर्डर पर हजारों किसान जुटे, 3 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन से जुड़े अपडेट भी निकल कर आ रहे हैं। जींद में 15 और पीपली में 22 सितंबर को महापंचायत भी होगी, 3 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन
होगा। किसान नेता पंधेर ने कहा कि हरियाणा चुनाव के चलते किसान आंदोलन से भाजपा डरी हुई है, संयुक्त सम्मेलन में रणनीति बनाएंगे। 3 अक्टूबर को 2 घंटे का देशव्यापी रेल रोको आंदोलन होगा। अन्ना और मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस साथ देगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान किया। 1 से 7 सितंबर तक चलने वाले इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस किसानों के MSP की मांग को समर्थन देगी। वही देखिए, किसानों के बैंक खाते में जल्द ही भेजी जा सकती है 18वीं किस्त। PM किसान योजना से जुड़ा अपडेट है। दरअसल इस योजना से जुड़े पात्र किसान भाइयों को अब तक कुल 17 किस्त का लाभ मिल चुका है और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगली किस्त अक्टूबर महीने में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हर किस्त 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है, तो ऐसे में 17वीं किस्त जारी होने के बाद से अब 18वीं किस्त के आने का समय अक्टूबर में हो रहा है। अना और किसानों को मिल रहा 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जिसमें ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। इस राशि से किसान भाई पशु खरीद सकते हैं, शेड का निर्माण कर सकते हैं और चारा खरीद सकते हैं। किसानों को 1 साल के भीतर यह राशि चुकानी होगी। आवेदन के लिए ऑनलाइन वेबसाइट उपलब्ध है। अना और यूपी के किसानों को डबल तोहफा, इस खेती के लिए पैसा देगी केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मखाने की बड़े स्तर पर खेती होगी और इसके लिए यूपी की डबल इंजन की भाजपा सरकार किसानों को फंडिंग करने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार कृषि को बढ़ावा और किसानों को सशक्त बनाने के लिए बड़े कदम उठाती रही है। इसी सिलसिले में यूपी में बड़े स्तर पर मखाना की खेती करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की तरफ से फंड मिलेगा। चलिए अपडेट खबर आ रही है DA को लेकर। आने वाला सितंबर आ गया और केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे एक नहीं दो बड़े अपडेट। सैलरी में जबरदस्त उछाल भी देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर महीने में हो सकता है। साथ ही प्रमोशन छोड़ने वाले कर्मचारियों पर सख्त हुई सरकार, आदेश जारी हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रमोशन छोड़ने पर कर्मचारियों को सर्विस में बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने फैसला लिया कि अब जो भी कर्मचारी पदोन्नति यानी प्रमोशन लेने से इनकार करेगा, उसे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा और उसे प्रमोशन छोड़ने के कारण उच्चतर वेतनमान का फायदा भी नहीं दिया जाएगा। सरकार ने संबंध में आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल कर्मचारी संगठन ने इसका विरोध किया है। अना और नेक्स्ट अपडेट देखिए, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की विसंगतियों के बारे में कार्यकर्ता कर्मचारियों को जानकारी देंगे। पार्टी विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति भी बनाएगी। खबर है कि यूपी में नया आंदोलन शुरू करने वाली है केजरीवाल की पार्टी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने पर फोकस किया जाएगा। अना और इंदौर संभाग के ITI में 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों की डिमांड, बड़े पैमाने पर प्लेसमेंट होगा। सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग इसमें आ गए हैं, इसके बाद ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, नहीं दे रहे थे संपत्ति की जानकारी, हो गया एक्शन। 11,000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रुक गया है। संपत्ति का ब्यौरा उजागर करने की प्रदेश सरकार की सख्ती राज्य कर्मचारियों के लिए मुसीबत बन रही है। 7% कर्मचारियों ने संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की है और इसके कारण 11,000 से अधिक कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रुक गया है। ये तो केवल रामपुर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट ही आप देख रहे हैं। जिले में 15,000 राज्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें से केवल 875 कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया। और उत्तराखंड से जुड़ी खबर है, पुरानी पेंशन OPS पर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन का ऐलान। 26 सितंबर को जिला मुख्यालयों में रैली निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए देने वाली स्कीम एक और कदम आगे बढ़ गई है। WCD ने ड्राफ्ट तैयार किया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के लिए घोषित की गई योजना को लागू करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। चलिए अपडेट खबर है, महिला सेफ्टी के लिए सरकार ने लॉन्च किया SHE बॉक्स पोर्टल। ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। सरकार ने वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न जैसे मामलों पर लगाम लगाने और पूरे भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही वर्क प्लेस पर होने वाले उत्पीड़न की शिकायत की जा सकती है। शिकायत पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। पोर्टल पर पर्सनल डिटेल गोपनीय रहेगी। महिलाओं की सेफ्टी को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अना और राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने इसमें आर्थिक सहायता बढ़ाने का ऐलान किया है। पहले 6,500 रुपए की राशि मिल रही थी, इसे अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। 1 सितंबर से यह अपडेट लागू हो जाएगा। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहले संतान के लिए वर्तमान में जो राशि 6,500 रुपए है वो बढ़ाकर 10,000 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, युवाओं में तेजी से बढ़ रही भूलने की बीमारी, ये लक्षण दिखाई दे तो हो जाएगा सतर्क। चिंता की बात तो यह है कि इन दिनों 40 साल से कम उम्र के युवाओं में वास्कुलर और अल्जाइमर डिमेंशिया की शिकायत तेजी से बढ़ रही है। भोपाल एम्स में हर महीने 100 से अधिक युवा इस समस्या से ग्रस्त होकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सक इसे युवाओं के लिए बड़ी चिंता का विषय बता रहे हैं। एम्स के डॉक्टरों के अनुसार जवानी में भुलक्कड़ होना तनाव और मल्टीटास्किंग का नतीजा है। अशुद्ध भोजन, टेंशन और ज्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग की नसों में तनाव बढ़ा रहा है। इससे कम उम्र में ब्रेन स्ट्रोक और भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है। योगी सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। नकल माफिया पर शिकंजा कसा, औद्योगिक विकास को भी बढ़ोतरी होगी। यूपी में 30,000 युवाओं को 10 दिन में नौकरी देगी सरकार। 4 जिलों के लिए तो बड़ा अच्छा मौका है।
है। बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक माहौल जरूरी, मकान खाली कर दें बेटे बहू, हाईकोर्ट का आदेश है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक 80 साल की महिला के बेटे बहू और पोते पोतियों को वे घर खाली करने का निर्देश दिया जिसमें वे साथ में रह रहे थे। वृद्ध महिला ने याचिका दायर कर उन पर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और उपेक्षा मुक्त माहौल जरूरी है और ऐसे में बहू पोते पोतियों को घर खाली करने का आदेश दिया गया। वही देखिए, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए गुड न्यूज है, रुकी हुई पेंशन की शुरुआत हो गई है। यानी दिल्ली में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो पिछले 5-5.5 महीने से रुकी हुई थी वो एक बार फिर से मिलनी शुरू हो गई है। अब घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुरंत हाजिर होगी यूपी पुलिस। कन्नौज में अब बुजुर्गों का सहारा बनेगी पुलिस। ऐसे बुजुर्ग जो घर में अकेले रह रहे हैं और उनकी पूरी हिफाजत सहित उनकी समस्याओं का जिम्मा पुलिस उठाएगी। बुजुर्गों का हमदर्द बनने के लिए पुलिस ने सवेरा योजना शुरू की थी और इस योजना के तहत अब तक 24,000 बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इनका पूरा रिकॉर्ड अब पुलिस के पास है। इनसे लगातार पुलिस संपर्क में रहेगी और हाल जानती रहेगी। किसी भी तरह की समस्या के लिए अपनी ओर से पुलिस से शिकायत कर पाएंगे और पुलिस का भी यह दावा कि इनकी शिकायत पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होगी। कोई भी बुजुर्ग यूपी 112 नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अनावर हरियाणा से जुड़ी खबर है, बुजुर्गों को मिलेगी 6,000 मासिक पेंशन। विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने यह बड़ा वादा किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नेता जनता से कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल की रुकी विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को प्रति महीने 6,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा, ऐसा वादा किया गया है। अनावर 2025 तक भारत में दोगुनी हो जाएगी बुजुर्गों की आबादी। 2050 तक भारत की बुजुर्ग आबादी दोगुनी हो सकती है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए खास नीतियां बनाने की जरूरत है ताकि उन्हें स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन मिल सके। इसकी जरूरत खासकर बुजुर्ग महिलाओं को रहेगी जो बुढ़ापे में अकेली पड़ सकती हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की भारत इकाई UNFPA इंडिया की प्रमुख एंड्रिया वोजनार का कहना है कि 2050 तक भारत की बुजुर्ग आबादी दोगुनी हो सकती है, इसलिए बुजुर्गों के लिए खास नीतियां बनाने की जरूरत है। और अब चलते चलते लास्ट का महत्वपूर्ण बड़ा अपडेट देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य से जुड़ा यह अपडेट आ रहा है और वहां पर 18 साल के ऊपर के सभी लोगों की जांच होगी। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पिछले साल राज्य में कैंसर के लगभग 82,000 मामले सामने आए थे। अब सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए कैंसर की जांच अनिवार्य बनाई जाएगी। तमिलनाडु सरकार से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। तो ये थे दोस्तों इस सितंबर के महीने में बड़े बदलाव, अपडेट जानकारी आपको देखने को मिलेगी। कुछ नियम लागू हो गए, कुछ आने वाले समय में लागू होंगे, कुछ राज्यों के अपडेट है। कुल मिलाकर ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हमारे रोज लाते रहते हैं। हर रोज की ताजा खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो आप हर रोज देखिए, वीडियो सेक्शन में जाइए और बाकी के अलग अलग टॉपिक हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।